व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो यार आज है 19 तारीख और अभी बज रहे हैं दोपहर के एक, नहीं दो ही बज गए। और हमारे जो गांव वाले लड़के हैं ना, उन सब ने मोड़ पे लगा रखी है छबील सेबा। तो चलिए गाइस चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाते हैं। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये देख लो आज का मौसम। और गाइज इन्होंने बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम करके रखा हुआ है वहाँ पे, डीजे वगैरह लगा के रखे हैं। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे गली में, ये देखो गाइज। तो गैस वहाँ से वापस आ गए हैं और बहुत ही तगड़ा साउंड था यार, सुनाई नहीं दे रहा अभी तक कानों के अंदर ना, टू टू की आवाज़ आ रही है। और गैस ये देखो सोया पड़ा है यहाँ पे, नहीं आंखें तो खुली है इसकी। वेल पिछले जो तीन चार व्लॉग थे ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने सिद्धू मूसेवाले की डेथ पर अफसोस नहीं किया तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो गैस ये अच्छा नहीं लगता। देखो गैस जो लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार होंगे ना, वो इन चीज़ों को कभी भी शूट नहीं करते और लोगों के सामने लेके नहीं आते या फिर शो ऑफ नहीं करते। तो यार देखो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं इन चीज़ों को कभी शूट करना चाहूँगा, बिकॉज ये गलत चीज़ है यार। किसी के घर मतलब इतनी तगड़ी प्रॉब्लम हो गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का चाचू चला गया, किसी का फ्रेंड चला गया, किसी का कोई भी रिलेशन होगा वो चला गया, तो यार बहुत गलत चीज़ है। अगर आप लोग ऐसे लोगों के सामने बोलेंगे यार उसका वो बहुत ही तगड़ा सिंगर था है ना, तो आप लोग शूट करके डाल देंगे कि यार उसकी डेथ हो गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब रोना आ रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं आप एक तरह से है ना। तो यार रिएक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनके दिल के अंदर प्यार होता है वो लोग अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे वीडियो बना के डालने लगे तो यार फिर लोगों का यही काम रह जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कि गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उनका नाम लेके, ठीक है, उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बोला हुआ है, गानों के अंदर भी बोला हुआ है कि यार मेरा नाम लेके मतलब फेम लेना चाहते हैं या फिर आगे आना चाहते हैं। 295 अगर आप लोगों ने गाना सुना होगा तो उसके अंदर बोला हुआ है कि मेरा नाम लेके आगे आना चाहते हैं। तो यार ये चीज़ें लोग सच में कर रहे हैं और ये रियलिटी है, उनके गाने लिखे हुए हैं, बिल्कुल सच है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, कोई उसकी ज़बरदस्ती बहन बन रही है, कोई उसके संस्कार का व्लॉग बना रहा है, तो यार ये मतलब कहाँ की समझदारी है यार। पता नहीं यार कौन था वो लड़का, उसके संस्कार का व्लॉग बना रहा है, उसके भोग का व्लॉग बना रहा है, तो यार ये क्या सीखा है यार, अपने माँ बाप से क्या सीख रहे हो, दुनिया से क्या सीख रहे हो यार, गलत चीज़ है, इन चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए यार। आपके घर पर कल को कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ऐसे कोई डेथ हो गई या फिर किसी को कुछ भी हो गया, तो यार उसका भी लोग बनाना, फिर मुझे बताना यार आज मैं संस्कार का भी लोग बना रहा हूँ, यार कहाँ की समझदारी है यार, ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा गलत है। तो यार हमारे दिल के अंदर भी मतलब है अफसोस है, बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ, और इतने तगड़े लेजेंड थे, अच्छे गाने लिखते थे, रियलिटी जो सच्चाई होती थी वो लिखते थे, बट मैं सच बोल रहा हूँ यार, जो चीज़ें सच्चाई में आती हैं वही चीज़ें यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यार ये कोई बात नहीं होती कि आप लोग ऐसे मतलब भी लोग बना के डाल दें, है ना। देखो गाइस अफसोस है तो क्या करें यार, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। तो यही कहना था मुझे, बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे उनकी डेथ पे और बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ, और कसम से यार बिलीव नहीं होता, अभी तक बिलीव नहीं होता वो दुनिया से चले गए हैं। मैं उस टाइम काफ़ी इमोशनल हो गया था, मतलब दो चार दिन मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने मेरा ना मतलब क्या बोलूँ यार, रोने को भी दिल कर रहा था। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार ऐसे कमेंट ना किया करो, क्योंकि ये गलत चीज़ है यार, इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आप लोग बोल रहे थे, मजबूर कर दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की। और उनकी फैमिली को एंड फ्रेंड्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ऊपर वाला आप लोगों को स्ट्रेंथ दे, अब उनको ही इस पेन का पता है, इस सिचुएशन का पता है, क्योंकि ये बहुत गंदी सिचुएशन होती है यार। मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि यार ऐसा दिन किसी को देखने को ना मिले, किसी का बेटा ना जाए, किसी का फ्रेंड ना जाए, किसी का बाप ना जाए, किसी का कोई भी रिलेशन है तो वो ऐसे मतलब डेथ ना हो, और ना ही किसी बीमारी की वजह से, सब तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें और खुश रहें, बस यही कहना चाहूँगा यार। और हाँ गाइज, हमारे
पास वाले गांव में होता है मेला, और मैं आपको वहां पे लेके जाने वाला हूं आज की कहां पे होता है और किस जगह पे होता है, ये चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग के अंदर। तो चलिए गाइस निकलते हैं घर से, थोड़ी देर में लंच वगैरह करके निकलेंगे और मुझे फिर वीडियो भी शूट करने हैं, काम पे भी जाना है, बहुत सारा काम है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय। और गाइस मम्मी और चाची माथा टेक के आ चुके हैं वहाँ पे और ये लोग प्रसाद लेके आए हैं, अभी बांट रहे हैं यहाँ पे। और गाइस अभी जस्ट मैं जा रहा था अपने दूसरे चैनल की वीडियो शूट करने के लिए और मुझे याद आ गया कि यार सुबह का ब्रश नहीं किया हुआ, तो अभी ब्रश कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अभी अपना जो मोबाइल था ना, क्या हो गया, खिचखिच हो गई, मोबाइल जो था वो यहाँ पे सेट कर रहा था, 3-4 बार मोबाइल गिर गया। तो अभी ऐसे करते हैं जल्दी से ब्रश करते हैं, फिर अपने दूसरे चैनल की वीडियो भी शूट करनी है और फिर उसके बाद जाना है आपको वहाँ पे लेके कि कहाँ पे मेला होता है, फिर उसके बाद घर पे आना है, फिर ड्यूटी पे जाना है। और आज के व्लॉग मुझे शाम तक ना ख़त्म करना है और कल अपलोड करना है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस ब्रश करके आ चुके हैं छत के ऊपर और दांत देखो अभी चमक रहे हैं ना, और ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूप है यार, फेंक दो। ये देखो गाइस चाबी मैं ना बाइक की ले आया था ऊपर, और बाइक की चाबी इस ताले को लगेगी। अब देखो दिमाग कहाँ पे है मेरा, ये वाली चाबी मम्मी ने ऊपर फेंकी है। वीडियो बनाने के चक्कर में ना दिमाग पता नहीं कहाँ पे था, चाबी मैं ले आया बाइक की। और हाँ अभी वीडियो शूट कर लेते हैं। फिलहाल गाइस अपनी वीडियो तो शूट हो चुकी है, कुछ इस तरह का सेटअप होता है, ये नीचे कैमरे का बैग है, ये माइक है, और ये रहा अपना कैमरा, ये देखो मेरी वीडियो यहाँ पर चल रही है, और ये लाइटिंग वगैरह कुछ इस तरीके की रहती है ऊपर, और ये चार्जर है, ये थोड़ा MP3 है यहाँ पे, मतलब थोड़ा गाने वगैरह भी चलते हैं। और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये क्या गाइस ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर ना मून है ऊपर, तो यार बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इस साइड से कब से निकलने लगा ये बल्ब है यार, ये जो है ना इस बल्ब का ना इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस भाई तुम्हारा निकल गया घर से और मेरे पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज मुझे काम पे जाना है और मेरे पास है सिर्फ 2 घंटे, सामान भी लेके आना है और आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कराना है। और गाइस रास्ता देखो, जब से हम लोगों ने जन्म लिया है ना ये रास्ता अभी तक नहीं बना। जब हम छोटे थे ना तो चाचू एक बार हमें मेले से लेके आ रहे थे यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा पानी था, बिकॉज रेनिंग सीज़न के अंदर ना यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता था, अभी तो थोड़ा ठीक है। और हम लोग ना वहाँ पे गिर गए थे एक बार। तो फाइनली गाइस पहुँच गए अंदर, गाइस यहाँ से आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। फिलहाल गाइस मैंने आपको थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करा दिया, अभी मुझे सामान लेने के लिए मार्केट जाना है, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। वेल गाइस तुम्हारा भाई सामान लेके पहुँच चुका है घर, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी आपको बताना था दिखाना था वो मैंने इस व्लॉग के अंदर दिखा दिया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, और मेले का व्लॉग लेके आएंगे। बाय बाय गाइस।